Assalamu Alaikum, I am Hadrali Bijarani. Today I am producing my latest lecture on nation state. So in this lecture, I will discuss about the core concept of nation state, and I will also tell that how the concept of nation state evolved in the international dynamics after the Treaty of Westphalia, which happened in 1648. तो अगर नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मतलब तो कि अगर बिल्कुल हम बिगनिंग से स्टार्ट करें नेशन स्टेट को समझने के लिए तो इन वर्ड्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इनकी पहले हम लिटरल मीनिंग देखते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या है जैसे हमारे थोड़ी बहुत आइडियाज़ क्लियर हो उसके बाद हम आगे जाकर जो जॉन बैलिस ने नेशन स्टेट को कैसे डिफ़ाइन किया है हम उन पे आ जाएंगे मगर मतलब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें अगर इन दो वर्ड्स को डिवाइड करें एक नेशन दूसरा स्टेट नेशन मतलब के कोई कौम स्टेट मतलब के कोई टेरिटरी हो कोई कंट्री हो कोई ज़मीन हो अगर इन दोनों वर्ड्स को हम आपस में मिलाएं तो हमें मिलता है कि उसी किसी कॉम के लिए कोई ज़मीन हो मतलब नेशन के लिए कोई स्टेट हो तो इसे कहा जाता है नेशन स्टेट अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करें फिर इस कॉन्सेप्ट क्रिटिसाइज़ करें फिर जॉन बरस की डेफिनेशन पे आते हैं अगर पाकिस्तान को देखें इस पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान में कितनी कॉमें हैं यहाँ पे आपको सिंधी मिलेंगे यहाँ पे आपको बलोच मिलेंगे यहाँ पे पंजाबी मिलेंगे यहाँ पे जो आपको पठान मिलेंगे मतलब कि बहुत सी कम्युनिटीज के लोग बहुत सी कौमों के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर हम और आगे देखें तो हमें और बहुत सी यहाँ पे कम्युनिटीज मिलेंगी मगर जो मैंने पहले कहा कि नेशन स्टेट मतलब कौम के लिए कोई कंट्री कोई स्टेट हो लैंड हो टेरिटरी हो वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर क्या है फिर नेशन स्टेट को कैसे समझें तो यहाँ पे जॉन बैलस की डेफिनेशन है एक मेरे पास जो ज़बरदस्त डेफिनेशन जॉन बैलस ने दी और पूरे इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया पूरे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जॉन वेलस ने कहा है कि ग्रुप ऑफ नेशंस इंस्टॉल शेयर डेस्टनी ऑफ़ कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड नेशन स्टेट मतलब कि ग्रुप ऑफ नेशन जब भी अपनी विलिंगनेस के तहत किसी भी कंट्री में रहें तो उस कंट्री को हम नेशन स्टेट कहेंगे अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं के वेरियस कम्युनिटीज आर लिविंग इन पाकिस्तान इवन कि आपको यहाँ पर हिंदूज़ मिलेंगे और बहुत सी कम्यूनिटीज़ के लोग मिलेंगे वो अपनी विलिंगनेस के साथ रह रहे हैं पाकिस्तान में उसके इस्लामिक नज़रिए के अंदर तो क्या हुआ पाकिस्तान नेशन स्टेट हुआ वेरियस कम्यूनिटीज़ आर लिविंग इन अमेरिका, विद विलिंगनेस टू डोल अंडर द फीडर सिस्टम ऑफ अमेरिका मतलब कि अमेरिका नेशन स्टेट हुआ अगर अमेरिका में जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपनी विलिंगनेस के लिए हिसाब से रह रहे हैं कोई जो है बाइडन ने जोरी उनको नहीं वहाँ पे ठहराया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे रहें मतलब अमेरिका नेशन स्टेट हुआ यूनाइटेड किंगडम को अगर देखें वेरियस कम्यूनिटीज़ वेरियस ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन यूनाइट किंगडम विद देअर विलिंगनेस टू डोल द किंग तो ये क्या हुआ ये नेशन स्टेट हुआ मतलब कि जो कम्युनिटीज अपनी विलिंगनेस के साथ वहाँ पे रहें तो उसे हम कहेंगे नेशन स्टेट अब बात करते हैं कि नेशन स्टेट को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो सबसे ज़्यादा जो नेशन स्टेट को जो प्रॉब्लम है इवन के जॉन बेलस ने ये चीज़ें भी बताई हैं वो प्रॉब्लम है माइनॉरिटी की अब देखें जहाँ जहाँ पे कंट्री जितनी डेवलप्ड है अगर उनकी डेमोक्रेसी का इंडेक्स अच्छा है तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कोई इशू है नहीं क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यूके बेस्ड बेस्ट कंपनी की रिपोर्ट थी जिसने दुनिया के जो भी कंट्रीज़ थी उनकी डेमोक्रेसी शो की अब उस रिपोर्ट में था कि जो आइसलैंड है आइसलैंड दुनिया में मतलब कि सेकंड uh, एक ऐसा कंट्री uh, है जिसकी डेमोक्रेसी हद से ज़्यादा बेहतर है तो आइसलैंड में जो माइनॉरिटी है वो है थाई कम्युनिटी। मतलब कि ओनली जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आइसलैंड आर थाई पीपल तो वहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी बेहतर होने की वजह से डेवलप होने की वजह से थाई कम्युनिटी के लोगों को हर किस्म के राइट्स हैं वो अपनी कल्चरल से जो सरमनीज़ हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं रिलीजियस सरमनीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में आ, अपनी एक अक्सरियत पोजीशन बना सकते हैं मतलब कि उनके उनको उनको तो कोई इशू नहीं मगर सेम कॉन्सेप्ट अगर हम साउथ सूडान में देखें तो दिनका ट्राइब के लोग बिल्कुल भी जो उनके मायनोटीज़ के लोग हैं दिनका ट्राइब के लोग माइजरिटी के हैं वो माइनरिटी को इतना हद से ज़्यादा टफ़ टाइम दे कर रखे रखा है उन लोगों ने कि नहीं इजाज़त मिलती है कि आप कल्चरल सेलिब्रेशन करें नहीं कि रिलीजियस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने की वहाँ पे इजाज़त मिलती है अगर सोमालिया को देखें तो यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिक्स ने कहा कि सोमालिया की जो लिटरेसी uh, रेट है वो है सेवन परसेंट और वहाँ पे कुछ जो मैनिटी के ट्राइब्स हैं उनको कुछ भी इजाज़त नहीं कि तो आप कुछ करें या जिंदगी अपने मुताबिक जिए अपने रिलीजियस या कल्चरल या कोई और हिसाब से ज़िंदगी जिए मतलब कि वहाँ पे उनको तो बड़ा टफ टाइम मिल रहा है तो ये एक बड़ा इशू है इस वक्त नेशन स्टेट को दूसरा अगर हम नेशन स्टेट का जो इशू देखें वो ये है कि जब सिक्सटीन फोर्टी एट में आ, ट्रीडिया वेस्ट फेलिया के बाद ये कॉन्सेप्ट इवोल्व हुआ तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ रखी गई वो सवरेंटी रखी गई ख़ुद मुख्तियारी रखी गई तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नेशन स्टेट को इशू है वो है ख़ुद मुख्तियारी का सावरटी का क्योंकि वो है इकोनॉमिक आर्गनाइजेशन की वजह से अब देखें जब डिकोलोनाइजेशन हुई जब बहुत सी कंट्रीज़ बनी तो उनको आ, पैसा चाहिए था उनको लोन चाहिए थी उनको डॉलर चाहिए था अब इस वक्त जहाँ जहाँ पे भी जो कंट्रीज किसी भी कंट्री से सॉरी किसी भी इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन से लोन वगैरह लेती हैं तो इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन अपने कुछ परपोजल्स उनको देती हैं कि भाई आपको ये ये चीज़ें करनी होगी लेट सपोज़ कि आपको टैक्सेस इतनी बढ़ानी होगी अपनी जो सब्सिडीज़ हैं वो आपको इतनी कम करनी होगी आपके जो एक्सपोर्ट है उसमें ये चीज़ें करनी होगी मतलब कि ये कुछ हैं ये चीज़ें जैसे अब पाकिस्तान ने जब आईएमएफ से लोन लिया तो पाकिस्तान के जो रिसेंटली मिनी बजट पेश हुई तो मिनी बजट में भी इस बात पे डिस्कशन हुई कि भाई आपने आईएमएफ की वजह से ये ये चीज़ें क्यों की हैं अपने मुल्क में तो इसे आप क्या समझे इसमें जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट था जो ख़ुद मुख्तियारी का कॉन्सेप्ट था वो तो कुछ कुटेल हुआ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का जन्म हुआ था कि कोई किसी के अंदरूनी मामला में इंटरफेयर नहीं करेगा तो ये तो इंटरफेयर हुई लेट सपोज कि अगर हमें कहा जाए हमारे मुल्क को कहा जाए कि आप टैक्सेस इतनी बढ़ाएं तो मतलब कि हमारे जो अंदरूनी जो आ, काम है या हमारी जो अंदरूनी जो हमारी इंटरनल जो जोरिस्ट्रक्शन है उसमें इंटरफेयर हुई तो नेशन स्टेट को इसका बड़ा सामना करना पड़ रहा है अगर और देखें नेशनल स्टेट को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का सामना है वो इंटरनेशनल आर्गनाइजेशनस की वजह से है जैसे यू ने टू में इराक़ के ऊपर इन्वेड किया आन द ऑफ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो ये तो मतलब कि इराक़ की जो जो आर्टिकल टू सेवन इंटरवेंशन जिसमें अलो भी नहीं है किसी भी कंट्री किसी भी को किसी दूसरी कंट्री के जर में तो मतलब कि ये नेशन स्टेट को इस वक्त इन चीज़ों का इशू है जैसे कि नाइन एलेवन के बाद अफगानिस्तान में इन्वेट किया गया अब अगर और देखें तो इन सारी चीज़ों को इन ईशूज़ को हल कैसे किया जा सकता है तो उसमें जॉन बेलस कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल पैटर्न पूरी दुनिया में लगा दिए जाएं, मतलब कि इस वक्त भी हैं इससे ज़्यादा स्ट्रेंथन किए जाएं तो शायद ये इशूज़ इसू, हल हो सकते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपको एक छोटा मिसाल दे रहा हूँ 1957 में क्या हुआ था कि पहली मरतबा ने ईरान को कहा कि न्यूक्लियर पावर बन जाओ न्यूक्लियर अपने डेवलप करो गालवनाइज योर न्यूक्लियर प्लान्स इन अ बिड टू कोटेल द स्वैथ उसके बाद क्या हुआ कि 1957 फिफ्टी सेवन में यक कहा गया फिर आई ईरान रेवोल्यूशन ईरान रेवोल्यूशन में हुकूमत चेंज हुई हुकूमत चेंज होने के बाद उसी ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर सेंक्शन्स लगा दिए और इतने हद तक सेंक्शन जो वो सेंक्शन अभी तक चल रहे हैं उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में उसी ही ईरान के साथ फिर एक एग्रीमेंट किया कि भाई ठीक है आप अपने जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको ख़त्म करें न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो उसे ख़त्म करें हम सेंक्शन करें आपके ऊपर जो लगाए गए हैं वो ख़त्म करेंगे फिर आगे चल उन्होंने फिर सेंक्शन लगा दिए फिर अब बातें हो रही हैं कि हम सैक्शन ख़त्म करेंगे मतलब कि जो वेटो पावर कंट्रीज़ हैं जो मेजर पावर कंट्रीज़ हैं वो जो भी काम करती हैं वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए करती हैं वो नहीं सोचती कि दुनिया के पैटर्न कैसे होंगे या उसके बाद दुनिया के पीस को क्या होगा क्या नहीं होगा यही मुजाहिदीन थे जो 1979 में क्रिएट किए गए यही मुजाहिदीन थे जिनको ट्रेनिंग दी गई जिनको पैसा दिया गया जिनको लड़ाया गया यही मुजाहिदीन थे जिनको 1989 में छोड़कर इनको इनसे चले गए लोग उनसे पूछा तक नहीं कि भाई अभी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यही मुजाहिदीन थे जिनके ऊपर टू में फिर इन्वेड किया गया अब यही मुजाहिदीन जिन से एग्रीमेंट करके अमेरिका इस जंग से निकला है अफ़ग़ानिस्तान ने अब यही मुजाहिदीन होंगे ये मैं एक प्रडिक्शन कर रहा हूँ जो भी लेक्चर देख रहे हैं तो याद रखना यही अब मुजाहिदीन होंगे जिनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे क्यों क्योंकि आप आई एस के कोटेल करना चाहते हैं तो ये जो मेजर जो पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं वो हर चीज़ अपने मफाद में करती हैं अब वो जो आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक पैटर्न लगा देंगे वो सारे पैटर्न सारे हर ममालिक को वो मानने पड़ेंगे ये नहीं हो सकता क्योंकि आपकी इन बातों को जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो नहीं मानेगी वो हर चीज़ अपने इंटरेस्ट में अपने मफादात में देखती हैं उनके मफादात में कुछ हुआ वो करेंगी अगर मफाद में नहीं हुआ वो इग्नोर कर देंगी तो फिर क्या कर जाए फिर मोर एंड मोर नेशन स्टेट मतलब के अगर आम रेखा जे के अंदर बीस कौमें हैं वो कहें कि हमारे इश्यूज हल नहीं हो रहे हमारे माइनर इश्यूज हल नहीं हो रहे तो बस हमें अलग अलग एक कंट्री दे दो स्टेट दे दो तो ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फिर सिक्सटीन फोर्टी एट जहाँ से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ उससे भी पहले चले जाएंगे जिसमें छोटी छोटी स्टेट्स एम्पायर सॉरी स्टेट नहीं एम्पायर होती थी जिसमें यह कॉन्सेप्ट होता था कि जिस एम्पायर के पास कुछ ज़्यादा पावर आ जाती थी वो दूसरे की एम्पायर के लिए एक सेक्रेटरी टेलमा बन जाती थी और उनके ऊपर इन्वेट कर लेती थी फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो तारीख में कल्चर बने सिविलाइजेशंस बनी फिर एम्पायर्स बने जर्मन एम्पायर फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ये चीज़ें मतलब कि हम फिर वो इतना दूर चले जाएंगे तारीख में चले जाएंगे अगर इतनी स्टेट्स बन जाए जाएँ छोटी छोटी अगर एम्पायर्स बन जाएँ तो फिर तो क्या होगा कुछ भी नहीं कोई पावरफुल नहीं रहेगा कोई आ, मतलब कि सिस्टम कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर क्या किया जाए फाइनली लास्ट जो डेफिनेशन हमें जॉन बैलस से मिलती है वो बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है जॉन बेलस कहते हैं कि री ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्ट जो ट्रीटी ऑफ वेस्ट हुई थी उसको री इंटरप्रिएट करें अब समझ अब समझिएगा इस पूरे लेक्चर को यही बात है जो पूरे लेक्चर को आ, क्लियर कर देगी वो ये है कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्ट हुई थी वो यूरोप में दो एक रिलीजियस ग्रूप्स के दरमियान हुई थी एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट जिसमें यह कहा गया था कि भाई कैथोलिक के जो लोग हैं जो आ, उनके बड़े एक स्कालस हैं वो प्रोटेस्टेंट के अंदरूनी जुरस्डक्शन में मसाइल में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया हुई ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया का कॉन्सेप्ट जो नेशन स्टेट का था वो उसी ही कॉन्सेप्ट से लिया गया कि भाई कोई कंट्री किसी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगा मतलब कि जो असल जो कॉन्सेप्ट था जो ओरिजिन थी वो एक रिलीजियस ग्रुप से ली गई कि भाई कैथोलिक के, के लोग प्रोटेस्टेंट्स के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो जॉन बेलस भी यही कहना चाह रहा है जान वेल्स का भी यही पॉइंट था है कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया है उसको री करें मतलब कि स्ट्रक्चर सेम हो मगर जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया गया था वो था दो मजहबी ग्रुप्स का मगर यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रखें जिसमें इंटरफेयर का कॉन्सेप्ट रखें मगर कंट्रीज़ को लेके आए जबकि वो एक दो मज़बी जो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट था वो साइड पे करके अब स्ट्रक्चर में कंट्रीज़ को रखें तो इससे ही आपके जो भी मसाइल हैं आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करें जिसमें आपके मैनिटी इश्यूज हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें और री इंटरप्रेट जब करेंगे ट्रीटी ऑफ वेस्ट फ्रिया को तो सारे इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे तो ये था मेरा लेक्चर नेशन स्टेट के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू दैट्स ऑल